हेलो दोस्तों, जीनियस हेल्प में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, जो कि सीबीआई का बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल घोष समेत चार लोगों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ये कार्रवाई आरजी कर हॉस्पिटल के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की। सीबीआई ने इस मामले में पिछले दिनों एफआईआर भी दर्ज की थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज इन दिनों विवादों में है। यह 9 अगस्त को नाइट ड्यूटी के दौरान जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया गया था, इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में भी सीबीआई जांच कर रही है। इन चार लोग को गिरफ्तार किया है, संदीप घोष, विप्लव सिन्हा, सुमन हजारा, अफसर अली। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो। मुझे पहले से ही पता था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तार करेगी। सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें संदीप घोष और 3 व्यापारिक संस्थाओं के नाम शामिल हैं। इस मामले में केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारियों द्वारा दायर पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर के आधार पर ईडी ईसीआईआर दर्ज की करेगी। सीबीआई ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू की है। इस मामले में भी संदीप घोष की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई उनसे इस मामले में लगातार कई दिनों से पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ के दौरान संदीप घोष लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और जांच एजेंसी उनके बयानों से संतुष्ट नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।